संथाल परंगना परमंडल में कुछ ऐसी आरक्षित सीटें हैं जिस पर आज तक कमल नहीं खिल पाया है। उसमें से एक सीट है दुमका जिले का सिकारी पाड़ा विधानसभा सीट। 7 टर्म से झामुमो के टिकट पर इस सीट से विधायक चुने जाने वाले नलीन सोरेन अब सांसद बन चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नलीन सोरेन की विरासत को उनके पुत्र आलोक सोरेन संभालेंगे या पहली बार यहाँ कमल खिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज के स्पेशल रिपोर्ट सियासी हलचल। झारखंड विधानसभा चुनाव की डुगडुगी कभी भी बज सकती है। चुनाव की घोषणा से पूर्व सभी राजनीतिक दल मुकम्मल तैयारी में जुटी है। इंडिया गठबंधन हो या एनडीए, सभी की नजर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 28 सीटों पर है। जेएमएम के परंपरागत वोटर को तोड़ने के लिए भाजपा दिन रात मेहनत कर रही है। संथाल परंगना परमंडल में कुछ ऐसे ही आरक्षित सीटें हैं जिस पर आज तक कमल नहीं खिल पाया है। उसी में से एक सीट है दुमका जिले के सिकारी पाड़ा विधानसभा सीट। 7 टर्म से झामुमो के टिकट पर इस सीट से विधायक चुने जाने वाले नलीन सोरेन अब सांसद बन चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नलीन सोरेन की विरासत को उनके पुत्र आलोक सोरेन संभालेंगे या पहली बार यहां कमल खिलेगा। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। इसमें दुमका जिले का सिकारी पाड़ा विधानसभा सीट झामुमो का अभेद किला माना जाता है। 1952 से अब तक हुए 17 चुनाव में 10 बार इस सीट पर झामुमो प्रत्याशी ने कब्जा जमाया है। लगातार 7 टर्म से सिकारी पाड़ा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले झामुमो नेता नलीन सोरेन अब दुमका के सांसद बन चुके हैं, लेकिन झामुमो 11वीं बार इस सीट पर परचम लहराने को लेकर अस्वस्थ दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में नलीन सोरेन को इस सिकारी पाड़ा विधानसभा से 25,000 वोटों से लीड मिली थी। इस लोकसभा चुनाव में सिकारी पाड़ा विधानसभा सीट से नलीन सोरेन को 87,980 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन को 62,639 वोट प्राप्त हुए। इन आंकड़ों को देखकर जेएमएम आश्वस्त हो चुकी है कि जब लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट से 25,000 वोटों से लीड मिली तो इस विधानसभा चुनाव में उससे भी ज्यादा वोटों से जीत मिलेगी। और दूसरा कारण है जिसे लेकर जेएमएम पूरी तरह से अपनी जीत का दावा कर रही है, वह है यहाँ का जाति समीकरण। सिकारी पाड़ा विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बहुली क्षेत्र है, जहाँ लगभग 50% से अधिक वोटर आदिवासी हैं, जबकि लगभग 10% मतदाता मुस्लिम है। इस क्षेत्र में आदिवासी और मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव हमेशा से जेएमएम के पक्ष में रहा है। यही वजह है कि जेएमएम के प्रत्याशी लगातार 10 टर्म से यहां विधायक बनते रहे हैं, और इन्हीं वजहों से संथाल परंगना का सिकारी पाड़ा विधानसभा सीट को जेएमएम का मजबूत किला माना जाता है। पर अब इसी किले से नलीन सोरेन के बेटे आलोक सोरेन के उतरने की चर्चा तेज हो गई है। नलीन सोरेन के सांसद बनने के बाद आलोक सोरेन क्षेत्र में काफी सक्रिय हो गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नलीन सोरेन के विरासत को संभालने के लिए आलोक सोरेन तैयार हैं। आलोक सोरेन सिकारी पाड़ा विधानसभा सीट से जेएमएम प्रत्याशी के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। तो वहीं दूसरा नाम नलीन सोरेन की पत्नी जयास बेसरा का भी आ रहा है, जो फिलहाल जिला परिषद अध्यक्ष है। इसी के साथ यह भी हवाएं चल रही है कि जेएमएम का मजबूत किला होने के कारण दुमका के विधायक बसंत सोरेन भी इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में जेएमएम की ओर से सीमित प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं, जिससे भाजपा को प्रत्याशी घोषित करने में ज्यादा परेशानी तो कतई नहीं होगी। इसलिए भाजपा की ओर से परितोष सोरेन को प्रबल दावेदार के रूप में माना जा रहा है। परितोष सोरेन 2009 और 2014 में जेबीएम के टिकट पर चुनाव लड़े, जबकि 2019 में भाजपा की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। हालांकि तीनों बार चुनाव हार गए, फिर भी परितोष सोरेन सिकारी पाड़ा के मैदान में डटे हुए हैं। इसलिए भाजपा एक और मौका परितोष सोरेन को ही देना चाह रही है, क्योंकि उस क्षेत्र की जनता उनसे पूरी तरह से वाकिफ हो चुकी है और नलीन सोरेन भी सांसद बन गए हैं। ऐसे में इस बार बीजेपी इस सीट पर कमल खिलाने को बेताब नजर आ रही है। बीजेपी इस सीट पर किसी भी हालत में जीत दर्ज करने के लिए एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सिकारी पाड़ा विधानसभा के चुनावी परिणाम को देखें तो कोई भी पार्टी जेएमएम के इर्द गिर्द तक नजर नहीं आती है। अगर हम 2019 के चुनावी परिणाम को देखें तो इस चुनाव में नलीन सोरेन जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़े और 79,400 वोटों के साथ चुनाव जीत गए।
तो वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के परितोष सोरेन रहे थे, जिन्हें 49,929 वोट मिले थे। वहीं 2014 का चुनावी परिणाम भी जेएमएम के पक्ष में रहा था। इस चुनाव में नलीन सोरेन जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 61,901 वोटों के साथ चुनाव जीत गए थे, जबकि 2014 में परितोष सोरेन जेबीएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 37,400 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं 2009 का भी चुनावी परिणाम झामुमो के ही पक्ष में रहा था। इस चुनाव में नलीन सोरेन जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 30,474 वोटों के साथ चुनाव जीत गए। तो वहीं परितोष सोरेन जेबीएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 29,471 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। तो 2005 का भी चुनावी परिणाम जेएमएम के पक्ष में था। इस चुनाव में नलीन सोरेन जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़े और 27,727 वोटों के साथ चुनाव जीत गए। तो वहीं जेडीयू के राजा मरांडी 24,631 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। तो वहीं सन 2000 का भी चुनाव परिणाम झामुमो के पक्ष में रहा था। इस चुनाव में भी नलीन सोरेन झामुमो के टिकट पर ही चुनाव लड़े थे और 39,259 वोटों के साथ चुनाव जीत गए। तो वहीं बीजेपी के छोटो मुर्मू 23,126 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। वर्ष 1952 से 2019 के बीच शिकारी पाड़ा विधानसभा सीट में कुल 17 चुनाव हुए, जिसमें 1979 में हुए उपचुनाव में झामुमो की जीत के बाद आज तक उस सीट पर जेएमएम का ही कब्जा बना हुआ है। 1979 में डेविड मुर्मू ने पहली बार जेएमएम को इस सीट से जीत दिलाई थी। इसके बाद डेविड मुर्मू ने ही 1980 और 1985 में इस सीट पर जेएमएम का झंडा बुलंद कर हैट्रिक लगाने का काम किया। इसके बाद इस सीट पर जीत के सिलसिला को 1990 में नलीन सोरेन ने आगे बढ़ाया, जो अब तक कायम है। इस सीट से लगातार 10 टर्म से झामुमो जीतते आ रही है, जिसमें 7 टर्म से लगातार नलीन सोरेन ही विधायक बने हैं, पर अब वह दुमका के सांसद बन चुके हैं। ऐसे में नलीन सोरेन इस बार शिकारी पाड़ा के चुनावी मैदान में नहीं होंगे। अब इसी का फायदा भाजपा परितोष सोरेन को आगे कर उठाना चाह रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब नलीन सोरेन मैदान में नहीं होंगे तो मतदाता के समक्ष नया प्रत्याशी होगा। ऐसी स्थिति में मतदाता के माइंड को आसानी से डाइवर्ट किया जा सकता है। अब ऐसे में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि भाजपा शिकारी पाड़ा की जनता को अपने और कैसे आकर्षित कर जेएमएम के किला को ध्वस्त कर पाती है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या इस बार शिकारी पाड़ा में बदलाव होगा? जेएमएम की जगह बीजेपी चुनाव जीत पाएगी? इसे आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको जोहार।